दोस्तों जैसे कि देखिए मेरे पास है सैमसंग का G2 सेट, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है इसमें माइक में, यानी कि जब हम कॉलिंग करते हैं तो हमारी आवाज़ जा नहीं पाती लेकिन हम सुन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन करने वाला हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ कि पहले सॉल्यूशन कर लिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से इसके माइक के पास से। तो देखिए यहाँ पर एक माइक लगा हुआ होता है जिसमें हमें ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड तीन इसमें पॉइंट रहते हैं, यानी कि ये वाला प्लस माइनस और ग्राउंड। तो इसे तो हम चाहें तो अगर ये प्रिंट उखल जाए तो हम चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, अगर अदरवाइज यहाँ पर हम इसे भी जम्पर दे सकते हैं। अब बात आती है प्लस की। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले की बात करें तो ये हमारी सप्लाई जाती है यहाँ से होकर हमारे यहाँ एक ICD शो कर रही होगी, तो मैं इसे एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ और एक बार साफ़ कर लेता हूँ। तो आपको इस सारी प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से बात करें तो इसमें तीन पॉइंट होते हैं, फर्स्ट प्लस माइनस और ये ग्राउंड। तो अगर हमारा ये प्रिंट ख़राब हो जाए, पहले रीडिंग देख लेंगे हम, इसकी रीडिंग इस वाली IC पर आती है, ये वाली पर, और पास से दिखा दे इस वाली IC पर, और इस वाली की रीडिंग इस वाली IC पर आती है। तो इस रीडिंग को हम चेक कर लेंगे। ग्राउंड अगर आपका ग्राउंड प्रिंट ख़त्म हो जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ भी जंपर कर सकते हैं इसे। तो हमने क्या करना है, हमारा जो ये सेट है पहले से किसी के पास से छिड़ा हुआ है, तो हमारा ये जो माइनस वाला पॉइंट है इससे प्रिंट है बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो हमें क्या ये मोबाइल में से माइक लिया है, और माइक में हमने क्या क्या है, देखिए जो ग्राउंड वाला जंपर है मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, देखिए तो ये ग्राउंड वाला जंपर है वो ग्राउंड पे दे देंगे, और ये प्लस वाला है प्लस पे दे देंगे। अब हमारा जो ये माइनस का है ये दूसरा वाला पॉइंट ये ख़राब है हमारा, तो इसे हम जस्ट यहाँ से हमारी रीडिंग शो नहीं कर रही इसमें इस वाली IC, तो हमने एक जंपर लिया है तो उसके हम चले जाएंगे बोर्ड पर, ये देखिए। तो यहाँ पर हम इसे हटा कर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो IC नज़र आती हैं, यानी कि IC नहीं होती, वो पॉइंट होते हैं खाली पॉइंट। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड इस पर कोई IC नहीं होती, खाली होते हैं। तो हमें इस फर्स्ट वाले पर हमें यहाँ पर जंपर सोल्ड कर देना है, और जूम कर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो इसे जूम करके दिखा देता हूँ, अगर हमारा सेकंड वाला जो प्लस वाला ख़राब हो जाए तो हम इस पर जंपर उसका दूसरे वाले पर जंपर दे सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं पहले से अगर हम यहाँ से इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे तो माइनस की यहाँ से और प्लस की यहाँ से यहाँ तक, अगर इस पर रीडिंग नहीं आती तो इस वाले पॉइंट की रीडिंग हम यहाँ से यहाँ जंपर दे देंगे इस वाले IC पर, और इस वाले का जंपर हम यहाँ से यहाँ दे देंगे। अगर यहाँ भी वर्क नहीं करता है तो इस वाले जंपर को हम इस साइड को दे देंगे यहाँ पर, और अगर माइनस वाला नहीं शो कर रहा है तो इस वाले की यहाँ दे दिए हम। तो इस तरीके से हमारा माइक यहाँ पर वर्क करने लग गया। तो आई होप कि आपको इस फड्डा ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।